और न्यूज एट 10 में आइए अब बात करेंगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर की, जिसमें डोडा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी की घटना सामने आई है। सेना व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। पोस्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक डोडा के देसा इलाके में देर रात शुरू हुई इस मुठभेड़ में भारतीय सेना के कुछ जवान घायल भी हुए हैं। इसके बाद से ही जम्मू डोडा हाईवे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही मुठभेड़ की इस घटना के चलते अतिरिक्त सुरक्षा बल घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ इलाके की जांच कर रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना प्रमुख से बात की, जिन्होंने उन्हें जमीनी स्थिति और जम्मू कश्मीर के डोडा में चल रहे इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी है। तो सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच यहाँ पे एक मुठभेड़ इस वक्त चल रही है। राजनाथ सिंह ने बात की और जानकारी क्या है इस वक्त, आइए जान लेते हैं। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ताहिर नदीम खान डोडा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताहिर, सबसे पहले इस वक्त जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा ऑपरेशन चल रहा है सुरक्षा बलों का, उसको लेकर अभी क्या कुछ अपडेट है? देखिए जया जी, जो इस वक्त अपडेट है, इस वक्त फायरिंग तो नहीं हो रही, क्योंकि रात को जो एनकाउंटर स्टार्ट हुआ था करीबन 7:20 पे, जो रूटीन में चेकअप चल रहा है आज का सर्च एंड सर्च ऑपरेशन जो चल रहा है जंगलों में, क्योंकि जब से सिल्लू में एक ऑपरेशन हुआ था ठीक आज से 8 दिन पहले, जहाँ पे तीन बड़ा क्लीनस ऑपरेशन था, तीन टेररिस्ट जो थे फॉरनर्स उनको मार गिराया था आर्मी ने, उसके बाद कुछ और रिपोर्ट्स आए कि इसी जगह पे जहाँ पे ये देसा का लाल रमन एरिया है वहाँ पे फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से सर्च ऑपरेशन चला हुआ है। लेकिन बहुत डेंस फॉरेस्ट है, तो कल जब सर्च ऑपरेशन एक टीम जा रही थी, जॉइंट ऑपरेशन टीम थी SOG और 10R10 राष्ट्रीय राइफल्स की, तो उस पर घात लगाकर हमला किया गया टेररिस्ट द्वारा। तो उसमें जो अब तक रिपोर्ट्स आई हैं, अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं, कि उसमें कुछ लोग आर्मी के और SOG के घायल हुए हैं। लेकिन इस वक्त इस टाइम सर्च ऑपरेशन तो चल रहा है, लेकिन फायरिंग का तबादला नहीं हुआ है, क्योंकि मीडिया को जो लाल रमन की जगह है बहुत डेंस फॉरेस्ट है वहां पे रोक दिया गया है, क्योंकि उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है और चॉपर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, चॉपर्स कंटिन्यूली हावर कर रहे हैं ऊपर से। लेकिन यही अड़ंगा ये जहाँ कहेंगे कहीं ना कहीं ये रुकावट ये आ रही है कि डेंस फॉरेस्ट की वजह से चॉपर या ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनसे पूरी विजिबिलिटी ग्राउंड की नहीं दिख रही, क्योंकि कुछ इलाका तो इसमें ऐसा है जहाँ पे अगर दिन के टाइम भी आप घुसें तो सूरज की किरणें तक जमीन पर नहीं पहुंचती है, इतना डेंस फॉरेस्ट है और मीरों तक फैला हुआ है। और इस एरिया में कोई आबादी नहीं, क्योंकि ट्राइबल नोमैड जो गुजर बकरवाल है वो कहीं दूर, कहीं 2 किलोमीटर के बाद एक उनका कहीं जो मड हाउस है वो दिखाई देता है, आबादी इस एरिया में बिल्कुल भी नहीं है। उस वजह से थोड़ी सी परेशानी हो रही है उनको ट्रेस करने के लिए, लेकिन पूरे सक्षम है फौज, जो पूरी तरह से सक्षम है, उसके साथ SOG JKP की और CRPF बाकी जो CAS वो इस पूरे मामले को देखने में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से उनको ट्रेस किया जाए, उनसे कोई कांटेक्ट बना। बिल्कुल ताहिर, यहाँ पर रक्षा मंत्री ने जनरल द्विवेदी से भी बात की और पूरे जो ये घटना है, जो ऑपरेशन चल रहा है, उसके बारे में जानकारी ली। इस वक्त जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यहाँ पर तलाशी अभियान भी चल रहा है, कुछ आंकड़ा सामने आया है, कुछ गिनती सामने आ रही है कि अभी भी कितने जो आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, वो वहाँ पर छिपे हो सकते हैं? और जो पूरा इलाके की आपने तस्वीर यहाँ पर खींची कि काफ़ी घना जंगल है, ऐसे में यहाँ पर काफ़ी कठिन काम है सुरक्षा बलों के लिए भी कि उसमें इस ऑपरेशन को अंजाम देना, क्या कुछ जानकारी इस वक्त मुहैया कराई रक्षा मंत्री ने जब यहाँ पर खासतौर पर बात की सेना प्रमुख से? अजीब है, कहा जा रहा है कि ये ग्रुप है, ये 4 से 5 लोगों को, एग्जैक्ट नंबर को नहीं पता चला, लेकिन जिस तरीके की फायरिंग वहां पे हुई है, फायरिंग का जो तबादला हुआ है, उससे ये लगता है कि 4 से 5 लोग घात लगा के वहां पे बैठे हुए थे। और इस वक्त उनको ये आश्वासन दिलाया गया है कि चारों तरफ से उनको घेर लिया गया है, फॉरेस्ट एरिया को तो चारों तरफ से घेर लिया गया, क्योंकि ये इलाका जो ये अनंतनाग से सटा हुआ है, अनंतनाग के कापरन एरिया जो है उसके साथ सटा हुआ है कश्मीर का, और दूसरी साइड से किश्तवाड़ का जो केशवान एरिया है उससे सटा हुआ है, करीबन 50 मील तक, 50 किलोमीटर नहीं, मील की बात करो, 50 मील तक कंटिन्यूसली इसमें डेंस फॉरेस्ट है, और कहीं भी जो है वो बाहर निकलने के लिए कोशिश की जा रही है चारों तरफ से, किश्तवाड़ वाली साइड से भी और कापरन से, जो कापरन एरिया वहाँ से भी जो रिपोर्ट्स मिली थी वहाँ से भी फौज आ रही है, चॉपर्स का यूज़ किया जा रहा है। कोशिश तो ये फौज पूरी तरह से ये कर रही है कि ये इस फॉरेस्ट से बाहर ना निकल पाए और इनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए, यही जो रक्षा मंत्री को भी उन्होंने यही कहा है फौज की तरफ से, जो व्हाइट नाइट कोर की तरफ से, ऑफिशियली तो उन्होंने इस बात की कन्फर्मेशन नहीं दी है, लेकिन ये कहा गया है कि पूरी तरह से फौज सक्षम है और चारों तरफ से घेर लिया गया है, और किसी भी वक्त
हमें ये इतला मिल सकती है कि उनके साथ कॉन्टेक्ट बनाया गया है, लेकिन वही बात करें कि फॉरेस्ट बहुत बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है और उसके साथ कहीं कहीं जो ट्राइबल नोमैड्स हैं उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है जो कि कहीं बिखरे हुए इस इलाके पूरे इलाके में है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर का डोडा ज़िला है वहाँ पर सुरक्षा बलों का इस वक्त अभियान जारी है। लगातार दहशतगर्दों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है घाटी की शांति को भंग करने का, लेकिन हर बार उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। 24 घंटे के अंदर ही पहले अभी 3 आतंकियों को यहाँ पर मार गिराया था हमारे सुरक्षा बलों ने और